साउथ एक्ट्रेस पूजा गांधी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ जैसी फिल्मों में काम कर चुकी पूजा पर आरोप है कि वह होटल में 4.5 लाख रुपए का बिल चुकाए बिना ही फरार हो गई। दरअसल एक्ट्रेस बेंगलुरु में एक आलिशान होटल में पिछले कुछ दिनों से ठहरी थी। कई दिनों से होटल की सेवा ले रही पूजा को जब पता चला कि बिल 4.5 लाख रुपए से ऊपर हो चुका है तो उन्होंने बिल चुकाए बिना ही रफू चक्कर हो जाने का फैसला किया। होटल कर्मचारियों को जब पता चला कि पूजा बिना बिल चुकाए भाग गई तो उन्होंने नजदीकी पुलिस स्टेशन में उनकी शिकायत दर्ज की। जब पुलिस ने पूजा को बुलाया तो उन्होंने होटल वालों को 2 लाख रुपए चुका दिए। खबरों की माने तो पूजा के विवस्त के होने की बाकी का पैसा चुकाने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त दिया जाए। खबर है कि होटल के कर्मचारियों ने बाकी का ये पैसा चुकाने के लिए उन्हें समय देने की बात मान ली है। बता दें कि इससे पहले भी कई बार पूजा विवाद में घिर चुकी है। साल 2011 में उनका प्रोड्यूसर किरण से पैसों को लेकर विवाद हो गया था, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज किया था। फिल्म की बात करें तो पूजा ने साल 2002 में फिल्म दुश्मन से डेब्यू किया था। उन्होंने 30 कन्नड़ फिल्मों में काम किया है। सैड न्यूज़ की रिपोर्ट।